सलाम वालेकुम पापा। सलाम कहते हैं? हाँ हाँ जी कह दे रहे हैं सलाम। अम्मा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। पढ़ लिया ना बेटा? तू देखो तीन बार पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ लूंगी। हाँ पढ़ लो बेटा, खूब दुआएं कर लो। जी ठीक है बेटा। मम्मी पापा को सभी घर के सभी जी जी जी, जी। बता देना अम्मा से मम्मी से। ठीक है पापा से कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह हाफिज़। सभी को मालूम होगा कि अम्मा पापा जा चुके हैं हज पर। काफी फैंस को लग रहा था कि अम्मा पापा सबा सन्नी साथ में जा रहे हैं हज पर, लेकिन जब सब हैरान रह गए जब सबा सन्नी ने अम्मा पापा को हज के लिए रवाना किए। अब जिस तरह से काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबा सन्नी क्यों नहीं गए हैं, लेकिन सबा सन्नी ने ये बात काफ़ी टाइम पहले कही थी कि हम लोग हज पर जाने वाले हैं अम्मा पापा के साथ, लेकिन किसी वजह से वो दोनों नहीं जा पाए। अम्मा पापा पहुंच गए हैं खैरियत के साथ हज पर। वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती है अगर साथ में रिश्तेदार हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में काफ़ी सहूलियत होती है, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अकेले भी जाते हैं लेकिन फिर भी सनी के पापा मम्मी एक साथ हैं और कुछ रिश्तेदार शामिल हैं साथ में। अम्मा पापा ने अपने खैरियत से पहुँचने की इत्तला अपने बेटे सनी और सभा को दी। और वैसे भी आप सभी को मालूम होगा कि अम्मा की बेटी यानी कि सनी की बहन सोदिया में रहती है, तो वो भी अपने अम्मा पापा का ख्याल रखने वाले हैं। सभा और सनी ने ये कहा है कि वो बहुत जल्द अम्मा पापा के हज पर आने के बाद जाने वाले हैं उमरा के लिए। इसमें सभा का कहना है कि वो इस बार उमरा अम्मा पापा अम्मी अम्मा और भाई भाभी के साथ सब मिलकर करने वाले हैं। अम्मा पापा 40 दिन के लिए हज पर गए हैं यानी कि डेढ़ महीने के करीब उनको हो जाएगा बकरा ईद, वो वहीं करने वाले हैं। तो इस बार सभा सन्नी बकरा ईद मुंबई में ही अम्मी के साथ करने वाले हैं। अम्मा पापा जब हज करके आ जाएंगे तब सभा सन्नी अम्मा पापा को लेने एयरपोर्ट जाएंगे, तब वो वहीं से सीधा मौधा जाएंगे। सभा सन्नी की अम्मा पापा से फोन पर बात हो रही है। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।